रायगढ़ जोरापाल स्थित जगदम्बा प्लांट में मंगलवार को हुए हादसे में वहां कार्यरत फिटरमैन का दाएं हाथ गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसको लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के जांच उपरांत प्लांट के रूपेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर हादसे की पूरी जानकारी ली। जोरापाली स्थित जगदम्बा प्लांट में मंगलवार को हुए हादसे में वहां कार्यरत फिटर के दाएं हाथ में गंभीर रूप से चोट लगने के मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के जांच उपरांत प्लांट के रूपेश अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण साल दर साल हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और अधिकतर मामलों में प्लांट की लापरवाही उजागर हो रही है। कारखाना अधिनियम और सुरक्षा के मानकों की अनदेखी के चलते ही हर माह किसी न किसी उद्योग में हादसे हो रहे हैं। मंगलवार को जोरापाली स्थित जगदम्बा प्लांट में हुए हादसे में उद्योग प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक राहुल पटेल की टीम ने बुधवार को प्लांट में पहुंचकर हादसे की जांच की। घटना की बारीकी से मुआयना किया गया और हादसे के वक्त वहां कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए। जांच अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक को घटना फिटर कन्हैया चौहान प्लांट के ड्रिल मशीन में काम कर रहा था। उसके बाएं हाथ में लुब्रिकेंट था, वह दाहिने हाथ से चिप कलेक्ट कर रहा था। इसी दौरान अचानक से उसके हाथ का ग्लव डीलर में फंस गया और उसके हथेली मशीन की चपेट में आ जाने से दाएं हाथ की दो उंगली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल उसका इलाज शहर के प्राइवेट अस्पताल में जारी है। वहीं घायल से बात की तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या FIR दर्ज नहीं कराना चाहते, क्योंकि उद्योग प्रबंधन के द्वारा हमें पूरी तरह से उपचार में सहयोग किया जा रहा है और मीडिया से बात करने से कतराने लगे। ये जगदम्बा ट्रेलर प्राइवेट लिमिटेड जोरापाली में प्लांट स्थापित है, जहाँ पे ट्रक के ट्रेलर्स बनाए जाते हैं। कल यानी दिनांक 10/11/2021 को सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में कारखाने में जो एक वर्कशॉप स्थापित है, वहाँ की एक ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन पे श्रमिक श्री कन्हैया लाल चौहान जो कार्यरत हैं, हेल्पर हैं, वो कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनका हाथ ड्रिल मशीन के अंदर आ गया, जिससे उनके हाथ पे गंभीर चोट आई दाएं हाथ पे। इलाज के लिए उन्हें आरएल हॉस्पिटल रायगढ़ ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी दो उंगलियां काटी गई हैं। इस मामले को संज्ञान लेते हुए हम आज 11 तारीख को उपसंचालक महोदय के निर्देशन में मैंने यहाँ आज जाँच की है। इस पर जाँच करने के बाद मैंने यहाँ पे बयान स्टेटमेंट वगैरह लिए, जो एविडेंस कलेक्शन करने थे हमने किए, और इस पे आज हमने नोटिस इशू कर दिया है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 782A और 782C का उल्लंघन हमने देखा। यहाँ पे असुरक्षित कार्य पद्धति और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराए बिना कार्य कराया जा रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है। कारखाने के अधिभोगी के ऊपर हमने नोटिस इशू किया है। जल्द ही इस पे हम अपना प्रकरण तैयार करके परिवाद प्रस्तुत करेंगे जिला सत्र न्यायालय में। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।